बिना पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, चल दे कल्ब में कब के कम कम कम। मैं तो जब से पैदा हुआ आसमान को एक ही रंग का देख रहा, एक ही हाल कर पा रहा। अब आप जरा सोचो कि इंसान को ये सोचना चाहिए था कि इतना ताकतवर, इतना पायदार, इतना मजबूत आसमान जो बगैर अब्बे और बगैर सुतूर के एक छत गोल छत, मगर उसके बावजूद भी उसमें कोई एक इंच की दाएं बाएं नहीं हो सकता। तो अब वो इसको संभालने से कांप रहा है जमीन, जो आसमान और आसमान उसके चारों तरफ और एक चाबी आसमान और जमीन के दरमियान, ऐसा नहीं है कि इस जमीन को ऊपर जाने से या नीचे जाने से रोक रोक नहीं, मगर ये अपनी जगह एक तरफ समझ गया। मैं आजकल के साइंसदानों का इस मामले में जरा भी एक सेंटीमीटर भी उनकी बात कबूल करने को तैयार नहीं हूँ कि जमीन ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, दिन रात उसी से घटते बढ़ते हैं, जाड़ा गर्मी उसी से पैदा होता है, ये सब मैं नहीं मानता। जिस तरह से जमीन को घुमा रहे उसी तरह तुम क्यों नहीं चार सूरज और तारों को उसका उल्टा, जमीन अगर यूं घूम रही है तो चार सूरज ऐसे, समझ गए। तो ऐसे हो सकता कुरान फरमाता है इन्ना अल्लाह युमसिकु समाअ अल्लाह आसमान और जमीन दोनों को मजबूती से पकड़ दिया है, अपनी जगह से वो हिल नहीं सकते, हट नहीं सकते। तो ये जकड़े हैं अल्लाह ने फरमाया बल्कि وجعلنا الجبال رواسي أستميد بكم کہ اللہ نے زمین کو ایک جگہ رکھنے کے لیے پہاڑوں کا قبضہ بنا دیا, اللہ نے پہاڑوں کو لنگر بنا دیا ہے کہ وہ جس طرح سے لنگر پر جائے تو جہاز اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا, اسی طرح یہ پہاڑ اس زمین کا لنگر ہے, یہ ادھر ادھر ہوا میں نہیں گئے, سمجھ گئے۔ میں قرآن کو مارتا سائنسدان کو نہیں مارتا۔ تو اب یہ ہو گیا کہ سورج اور چاند, سورج ایسے جا رہا ہے ایسے آ رہا ہے, مگر اس کی رفتار کا ایک طریقہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کی منزلیں طے کر دی, قرآن مجید میں اس کا بھی بیان ہے, ایک جگہ نہیں کئی ایک جگہ, اور بروج کا بھی ایک جگہ ہے کہ اس کے برج بنائے۔ تو اس طرح یہ ہے۔ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ زمین اتنی مضبوط پرانی سے پرانی ہو گئی, مگر جیسی تھی ویسی اب تک وہ زمین اپنے اندر کتنے خزانے رکھتی ہے,
सोना चांदी पेट्रोलियम तांबा पीतल अल्युमिनियम क्या क्या पता नहीं है, हीरा याकूत पुखराज नीलम ये सब कहां ये बात आत्मा से क्या पकड़े ये सब उसी जमीन में क्या और इसके अलावा कितनी चीजें हैं इस जमीन से वो निकल कर चाहे वो जरी हो या बेदहर पैदा सोचिए ये चंबक बनाने का सारा मसाला इसी जमीन से ही तो निकलता है और सब चीजें कितनी नेमतें हैं ये जमीन अपने अंदर कितना बड़ा पैदाना रखती है भड़ भड़वा का तरफ लगाओ एक बदबूदार फूल निकलेगा और गुलाब का लगाओ तो एक खुशबूदार अजब अजब रंग का एक फूल निकलेगा चमेली का लगाओ तो एक निराली बेले का लगाओ तो एक अलग जूही लगाओ तो अलग सेब लगाओ तो अलग और आम लगाओ तो अलग निमकौड़ी लगाओ तो अलग और अगर किसी में इसी में आपने लगा दिया आम का दरख्त तो उसका अलग रहेगा समझ गए गन्ने का डंडा जमीन में खोद दिया तो आप मीठा रस पाओगे तो देखिए क्या क्या चीजें कितना कितनी खुशबुएं और कितनी बदबुएं सब इसी जमीन के अंदर इसी जमीन के अंदर कितने तरह के जायके मीठा कड़वा नमकीन खट्टा बखरा और क्या क्या सब कहाँ से आ रहे हैं जमीन के अंदर इतना बड़ा खजाना इस जमीन के अंदर या अल्लाह और वो कहता है कौन इब्लीस कहता है कि मिट्टी से पैदा किया इनको और मैं तो आग से पैदा अबे आग को जलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता और मिट्टी सुभान अल्लाह जो भी डालो वो निकाली कभी भूली कि जला लगाया और बाजरा उगा कभी देखा है निमकौड़ी लगाई सेब फला सेब का बीज लगाया और वहाँ पर आम फल गया कभी ऐसी गलत की है कभी ऐसा एक्सीडेंट जमीन ने किया कभी नहीं तो ये दलील है इस बात कि अल्लाह जमीन में बहुत से खजाने रखे हैं आग में वो खजाने हैं तो उन सारे खजानों को जमा करो तो आप क्या हो जाओगे आप मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी की खसलतें अपने आप फैलाओ कुछ लोग उसकी बदबूदार खसलतें लेंगे बड़बड़वा भटकटैया ये बनेंगे इंद्राणी कुछ लोग हाँ से संतरा जूही और बेला गुलाब ऐसी खुशबू समझ गया जब जब ये इल्म होगा तो फिर उसके बाद आत्मियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास मैंने एक मरतबा अपने उस्ताद हुजूर सैयदी उस्तादी व मलाजना हासिल मिजलत मदीन को एक पोस्टकार्ड पर एक दो तीन लफ्ज लिखे हुजूर कोई नसीहत है मुझे लिख करके अता वालेकुम सलाम ये जवाब लिखा वालेकुम सलाम आपने फरमाइश की कि मैं कुछ नसीहतें लिख कर मैं एक नसीहत करता हूँ एहसास की जिम्मेदारी जिंदा रहना चाहता है
में यही एहसास की पैदाइश है अमानत। इस अमानत को जिसने संभाला तो वो आलिम, और जिसने ये अमानत नहीं संभाली तो वो कुछ, उसने अपनी आंख को खराब कर। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मैंने बहुत से उलमा देखे, हजरत फकीह मिल्लत को भी देखा, हाजी मिल्लत को भी देखा, सरकारी मुफ्ती आजम को देखा, सरकार हुज्जतुल इस्लाम को देखा, और सदर अफाकी को देखा, हजरत मौलाना अब्दुल अली बेटी अली रहा को देखा, बहुत बड़े उलमा देखे। अल्हम्दुलिल्लाह, फकीह मिल्लत के अंदर ये खूबी मैंने पाई कि जो जो उनके पास इल्म था वो चाहते थे कि सारी दुनिया बड़ा बड़ा, और इसलिए वो किसी के को खिलाफ शरा कोई काम देखते तो फौरन रोक देते। मैंने हुजूर हाजी मिल्लत को देखा, एक मरतबा उन्होंने फरमाया जरा एक गिलास पानी पिलाओ, मैं जल्दी में हड़बड़ा कर उठा और मेरा बाया पांव भूखे में चला गया। तो उस वक्त तो कुछ न बोले, जब पानी लेकर आया तो फरमाया क्या ये मसला आपको नहीं मालूम कि जूता उतारा जाता है बाएं पांव और जब पहना जाता है दाएं पांव। सुभान अल्लाह, एक बार सरकार हाजी मिल्लत रज़ियल्लाहु अन्हा के पांव में कोई बहुत बड़ा जख्म हो गया कि आप घर में दाखिल हो रहे थे, एक ताबीद के लिए आए और दुआ कर रहे, पता नहीं किधर से कुत्ता आया आपकी पिंजरी में, पूरे सर से दांत में दबा दबा दबा, अब पांव बिल्कुल पक गया और वो अपने ताबीद लेके चल गए। समझ गए, उसको ये भी फिक्र नहीं कि कुत्ते से कम कुत्ते को एक दो लाख लगाएं और उसका दांत चढ़ाएं। हुजूर आदमी मिल्लत ने उसके दोनों जबड़े पकड़कर खुद उसको अलग किया। उसके बाद लोगों ने कहा हुजूर इंजेक्शन लगवा, फरमाया कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मेरा रब मुझे शिफा दे। मिट्टी मंगवाई, वो मिट्टी चार दिन की थी और उसकी गोलियां बनाकर वो दुआ उसके ऊपर पढ़ पढ़ के फूका, कई एक हफ्ते तक ये किया यह अमल, और वो दम दम उनका ठीक हो गया। किसी ने आप मोजा पहने हुए थे तो किसी ने दवा लगाने के लिए कोई हकीमी की दवा मरहम के तौर पर लाए, लगाने के लिए दाया पांव से मोजा उतारना शुरू किया। आपने कहा नहीं पहले बायां उतारो, हुजूर जख्म उसमें तो है नहीं, तो मैं कहता हूँ सुन्नत क्यों छोड़ दो, पहले बायां उतारो फिर उसके बाद दाया। बेशक कितना हर वक्त एहसास की जिम्मेदारी, हुजूर फकीह ये भी नहीं देखते थे कि कौन किससे क्या, बल्कि नसीहत करना और लोगों को सही रास्ते पर गामजन करना ये उनकी एक फिक्र से कामयाब। वो चाहते थे कि सारी दुनिया में रसूल पाक का तौर तरीका राय शरीयत का बोल बाला, समझ में आ गई। हाँ हर मिल्लत के पास एक दारोगा साहब आए आकर पहने मिलने के लिए, तो
वो आकर बैठे। मिल्लत आप बंद किए हुए थे, जैसे देखा कि वो नेकर पहने हुए आए आप बंद कर और अपना हैदराबादी माल था आपका बड़ा बड़ा पर उठा के उसकी राम का डाल दिया। तो कहने लगा ये क्या फर्क कर रहे हैं आप, अपना रुमाल मेल देखिए, हम मुसलमानों के यहाँ ये टांग खोलना जायज नहीं है, घुटने से ले ये नाप से लेकर के घुटने तक खोला नहीं जा सकता, ये घुटना था। तो चुपचाप रहा, कुछ बोला, समझ गया अपने जो फरमा दिया खौफ, जो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है दुनिया हुजूर सरकार के आजम रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए नवाब अकबर अली खान गवर्नर उत्तर प्रदेश वो गए। शायद आप लोगों में से बूढ़े लोगों को पता हो कि नवाब अकबर अली खान यहाँ के गवर्नर थे, समझ गए। वो मुफ्ती आजम अब्दुल्ला के पास मिलने के लिए गए, बड़ी बड़ी तो मुफ्ती आजम अपने से उठे घर में चले गए और एक अलग दरवाजे से आप निकल करके वहां से पुराने शहर यानी वो काकर टोला कहलाता वहां चले गए। वहां पहुंच गए, ये घंटे भर इंतजार करते रहे, फिर उसके बाद चले गए वापस। और दूसरे वो बाकायदा शेरवानी अली गली पैजामा और रामपुरी रजा तय लगाए वो चले आए और उसके आजम अपने काम में मशगूल थे। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो हुजूर कल भी मैं आया था, अच्छा आप ही तशरीफ लाए थे, तो आप अपने पास साथ इतनी पुलिस लेकर आए कि मुझे ये एहसास हुआ कि आप मेरा घर लुटवाएंगे क्या, तो इसलिए मैं घर से चला गया। आज आप आदमियों की तरह आए हैं तशरीफ बरदस्ता आप इस तरह की बात करने का हक कौन रखता है, वही रखता है जो अल्लाह का करता है उससे गौरव बेशक सुभान अल्लाह समझ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हजरत फकीह मिल्लत के उर्स में हाजिर, इनसे फूल जो बरकात लेके जाना है तो इनके फतवों और इनकी जो तौर तरीके से आपने देखे उसको भी अपने साथ लेकर जाए, उस पर खुद भी अमल करें, अपने बच्चों को अमल करें, इसलिए कि यही चीज काम आने वाली है और चीज काम आने वाली है। दौलत कमाओगे एक पैसा कब्र में नहीं जाएगा, हाँ और खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दोगे मगर एक मिनट के लिए कोई फरिश्ता कब्र से आपको उस एयर कंडीशन बंगले में आने नहीं देगा, एक एकड़ बड़े बड़े आप खाट खाट के काम अपने बच्चों के लिए कर जाओ मगर कोई बेटा बेटी बीवी माँ बाप कोई एक मिनट के लिए तुम्हारे साथ कब्र में जाने को तैयार है नहीं, सिर्फ तुम्हारे अमाल और अकायदे हसना यही जाएंगे तुम्हारे साथ। इसलिए सबसे पहले अपने अकीदे को संभालो और उसके बाद अपने हाल पर नजर रखो,
इस वक्त दुनिया में बदअकीदगी बहुत तेजी से फैल रही है। जितनी सियासत और जमहूरियत बढ़े उतनी ज्यादा तुम देखोगे कि ये लोगों के अकायद बर्बाद होते चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबके अकायद की हिफाजत फरमाए, आमीन, अकायद की हिफाजत फरमाए, कुलियत से बचाए, आमीन, और हम सबको नेक आमाल की तौफीक दे, सच्चा नमाज़ी बनाए, आमीन, और अपना महबूब और दरबार का गुलाम बनाए। वसल्लल्लाहु तआला अला नबी करीम वाली वसहबी अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।